अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले साधकों को, योगी भाई बहनों को कुछ मूलभूत बातों का ज्ञान, अध्यात्म का तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान ये होना ही चाहिए। तीन सबसे बड़े तत्व हैं इस पूरी सृष्टि में, पूरे अस्तित्व में तीन ही तत्व हैं। भौतिकवादी भी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन इन तीन परमाणुओं को मानते हैं और इन्हीं से सारी सृष्टि बनी भी मानते हैं। वैसे भी हम भी सत्व रज तम इन तीन परमाणुओं को मानते हैं। भौतिकवादी इतना मानते हैं कि मैटर से एनर्जी, एनर्जी से मैटर, ये एक नेचुरल साइकिल है और ये चलता रहता है। कैसे चलता है बोलिए हमको नहीं पता। हमारे ऋषियों ने इससे भी परे एक तत्व है, उस तत्व का नाम दिया परमात्म तत्व। और वह परमात्मा सबका कर्ता, नियंता, संघर्ता, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, परमात्मा से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं वो सर्वज्ञ है, परमात्मा से बड़ा कोई बलवान नहीं वो सर्वशक्तिमान है, वो महान है, वो सर्वव्यापक है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, ईशावासमिदं सर्व। तो परमात्मा का स्वरूप क्या है? परमात्मा शक्ति स्वरूप है। क्या है बोलो? परमात्मा, परमात्मा ज्योति स्वरूप है। क्या है बोलो? ज्ञान स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो जो शक्ति स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है और इस सारी सृष्टि को व्यवस्थित रूप से बनाता है, अपने आप अनायास या कोई एक्सीडेंटल कोई दुर्घटना का परिणाम नहीं है, सृष्टि बहुत व्यवस्थित है। परमात्मा की सृष्टि में रत्ती भर भी कोई न्यूनता नहीं होती। हम कितना ही अच्छा कोई काम कर ले फिर भी कोई कमी रह जाती है। परमात्मा पूर्ण है, उसका ज्ञान भी पूर्ण है, उसके कर्म भी पूर्ण है। इसलिए कहते हैं पूर्णमदाह पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा के होने का प्रमाण क्या है? ये सब कुछ है, इसका मतलब इसके पीछे कोई बहुत बड़ी शक्ति है। परमात्मा के होने के मैं आपको सैकड़ों प्रमाण दे सकता हूं। देखो आज हम ऐसे छोटे छोटे 10-15 विषयों में छोटी छोटी बात करेंगे, विस्तार से आप खुद सोचते रहना। आज के जो बड़े सत्य हैं, एक परमात्मा, परमात्मा के होने में क्या प्रमाण, व्हाट इज द एविडेंस, किसी भी बात को आजकल पूछते हैं तो बोले इसके प्रमाण क्या है। जैसे मैं हूँ तो मेरी जो एग्जिस्टेंस है, मेरा अस्तित्व है, मेरी उपस्थिति, मेरे होने का मतलब मैं बोल रहा हूँ, मेरे हाथ उठा सकता हूँ, मैं नीचे ला सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मेरे मस्तिष्क का होने का क्या प्रमाण है? मैं सोच सकता हूँ। मेरी आँखों के होने का क्या प्रमाण है? मैं देख सकता हूँ। मेरे कान है, इसका क्या प्रमाण है? मैं गुण से गुणी का पता लगता है। मेरे हाथ होने का क्या प्रमाण है? मैं हाथ उठा सकता हूँ, नीचे ला सकता हूँ, इनसे कोई वस्तु को पकड़ सकता हूँ, उसको छोड़ सकता हूँ, हर चीज का प्रमाण है ना, उसका हेतु होता है। इसको गुण गुणी संबंध भी बोलते हैं, कारण कार्य सिद्धांत भी बोलते हैं। ये दार्शनिक विमर्श हमारे पूर्वजों ने किए, सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा में इस सृष्टि में के जो तत्व हैं, सृष्टि के जो सत्य हैं, उनकी विवेचना की गई, उनकी मीमांसा की गई। ये सृष्टि में अलग अलग गंध हैं, उसका क्या प्रमाण है? कैसे पता लगता है? कैसे दिखती है क्या? कोई गंध बहुत मीठी, कहते हैं मीठी मीठी गंध है, कोई कहते हैं बड़ी सुहानी सी गंध है, कुछ कहते हैं बड़ी तीखी तीखी गंध है,
आप गंध को देकर के पदार्थ को पहचान सकते हैं आंखें बंद करके। आंख के सामने लहसुन आया तो गंध से पहचान लिया, आंख के सामने मिर्ची आई तो एक तीखी सी गंध, आंख के सामने गुलाब का फूल आया तो गंध से, चमेली का मोगरा का फूल आया तो गंध से पता लग गया आपको। पहले देखा हुआ होता है, बाद में उसकी स्मृति आ जाती है। लेकिन गंध है इसका किससे पता लगा? नाक का गंध से का क्या लेना देना, वो खुशबू अलग अलग जगह अलग अलग पौधों में पेड़ों में वनस्पतियों में, अपने नाक से क्या पता लगा उसका भाई, इसका उससे क्या संबंध है कि आप? और वो कोई चीज़, चलो फूल आदि तो दृश्य है, ऐसे एनवायरनमेंट में कोई गंध छिड़क दी जाती है आंखों से तो नहीं दिखती है वो, ऐसे वहाँ आते हैं आप कहते हैं यहाँ तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, हैं? यदि आर्टिफिशियल है तो उसका भी पता लग जाता, और नेचुरल है तो लगता है बोले यहाँ पड़ोस में कहीं ना कोई कोई बाग बगीचा है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। एक चीज से दूसरी चीज के होने का अनुमान लगाया जाता है, नाक से गंध का अनुमान लगाया जा रहा है, कान से शब्द का अनुमान लगाया जा रहा है, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, आगम प्रमाण, जो अदृष्ट सत्य हैं, जैसे पूर्व जन्म पुनर्जन्म उसके और भी, तो प्रत्यक्ष अनुमान आगम, ये तीन बड़े प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाण, यानी प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, ये पांच वृत्तियां होती है। पांच प्रकार का जो विचार है, पांच प्रकार का जो ज्ञान है, खैर ऐसे बहुत सी चीजों का। अब माता पिता इसका अनुमान लगाया जाता है संतान देख के, संतान है तो माता पिता भी हैं, और माता पिता हैं तो संतान भी होने की संभावना है, उनमें सामर्थ्य है, ऐसे पता लगता है कि यह है या नहीं है, होना ना होना थोड़ा सा आपको सिखा रहे, तर्क करना, तर्क भी सिखाते हैं आपको, तर्क शास्त्र है पूरा। तो परमात्मा के होने में क्या प्रमाण है? जैसे आप सब यहां पर हैं, इसके होने में क्या प्रमाण है, कैसे पता लग रहा है? मेरे आंखों, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, आप उधर, मैं अलग देख रहा हूं आपको, आपको बता रहा हूं कि आप यहां हैं, इधर भाई बैठे हैं, इधर बहनें बैठी हैं, इसमें बच्चे भी बैठे हैं, इसमें बेटियां भी बैठे हैं, इसमें बड़ी उम्र की बहनें भी बैठी, मैं उसको देख रहा हूं अपनी आंखों से। तो भगवान के होने का क्या प्रमाण है? ये सारी सृष्टि, ये धरती, ये आसमान, ये सारा ब्रह्मांड, ये ब्रह्म के होने का प्रमाण है। इतना बड़ा ब्रह्मांड देख करके कि कोई भगवान का प्रमाण पूछते हैं, व्हाट इज द एविडेंस ऑफ गॉड? अरे तेरी आंख फूट गई, तेरे दिमाग की बत्ती बुझ गई, ये सारी रचना देख करके, और वैज्ञानिक रचना है, बात साइंटिफिक है, और कंप्लीट क्रिएशन, अल्टीमेट क्रिएशन, इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। परमात्मा ने सृष्टि के हजारों लाखों करोड़ों घटक बनाए हैं, यो तो कहने को मूलतः पंच तत्व हैं, उसमें पांच में भी फिर तीन, तीन में भी एक, मूल प्रकृति, बहुत बड़ी ये सारी रचना है, है? सुनो जरा और गहराई से विचार करते हैं। परमात्मा का अनुमान, परमात्मा का प्रत्यक्ष, एक तो पूरा ब्रह्मांड है, दूसरा कर्म फल व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, इस एक न्यूनता रहित रचना, कहीं पर भी इनकम्प्लीटनेस नहीं है, न्यूनता रहित रचना, वैज्ञानिक रचना इस सारी सृष्टि की। फिर देखो, आप सबका मस्तिष्क का ढांचा एक जैसा है, द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन इज एवरीवेयर इक्वल, बट नॉलेज इज नॉट एवरीवेयर इक्वल, मेमोरी इज नॉट एवरीवेयर इक्वल,
द ग्रैस्पिंग पावर स्मृति प्रज्ञा, आप सब का मस्तिष्क भौतिक रूप से एक जैसा होता हुआ भी इसमें कितनी भिन्नताएं हैं। तो इस भिन्नता का कारण क्या है? तो मनुष्यों का मस्तिष्क तो सबका आईक्यू लेवल तो एक ही जैसा होना चाहिए। क्या सबका आईक्यू लेवल एक जैसा है? बोलो क्यों नहीं है? व्हाट इज द रीजन? कोई तो कारण होगा, बोलो। पूर्व जन्म और उसके पीछे नियामक शक्ति कौन है? कि माने ब्रेन की संरचना तो एक जैसी है, ब्रेन का स्ट्रक्चर तो एक जैसा है, मेमोरी सेल्स तो एक जैसे हैं, राइट लेफ्ट ब्रेन पूरा जो है मस्तिष्क की संरचना, पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड सब कुछ एक जैसा है। आई के लेवल एक जैसा नहीं है। आंखें तो एक जैसी हैं, दृष्टि एक जैसी, हृदय तो एक जैसा है, भाव एक जैसे, हाथ तो एक जैसे हैं, कर्म एक जैसे, जुबान तो वाणी तो एक जैसी है, स्वर एक जैसे। कोई इतना सुंदर गाता है सारी दुनिया दीवानी हो जाती है। ये क्या है कि मस्तिष्क की रचना एक जैसी लेकिन ज्ञान की भिन्नता, वोकल कोड एक जैसा लेकिन स्वर की भिन्नता, हाथ एक जैसे लेकिन कर्म, अरे रात दिन का अंतर, हजारों लाखों करोड़ों गुना अंतर। मनुष्य और मनुष्य में इतना अंतर है, एक आसमान की ऊंचाइयां छू रहा है और एक नरक में गिरे जा रहा है। यह है क्या है? एक नियामक शक्ति है, नियंता शक्ति है, ये सारा प्रमाण है। दिस इज द एविडेंस ऑफ ऑलमाइटी गॉड। ये भगवान की उपस्थिति का, भगवान के होने का, भगवान के अस्तित्व का प्रमाण है। ये सब दिख रहा है। और चलो तुम्हारे अपने बारे में बताया। अच्छा बताओ, क्या तुम में से एक भी आदमी कोई भी नई रचना कर सकता है? तुम क्या खून की एक बूंद बना सकते हो? बोलो, खून की एक बूंद बना के दिखाओ तुम में से कोई एक भी आदमी। मैं उसी को आज से भगवान मान लूंगा। कोई एक भी आदमी चीनी का एक दाना बना के दिखा दो और बिना रॉ मेटीरियल के फिनिश गुड़ तैयार करके दिखा दो। चलो, बिना रॉ मेटीरियल के कोई फिनिश गुड़ तैयार कर दो, माने बिना आटा के रोटी बना दो। हे बहनों, कर सकती हो काम तुम? कोई भी चीज का आटा, चाहे वो बाजरे का है, गेहूं का है, जवार का है, बिना आटे के रोटी बना दो और बिना चीनी के हलवा बना दो, मीठा बना दो, शरबत बना दो। बिना आटा रोटी बना दो, बिना चीनी के शरबत बना दो, तब जानू मैं तुमको कि तुम बहुत बड़े रचनाकार हो, बड़े कलाकार हो। बड़े रचनाकार बने फिरते हो, बड़े कलाकार बने फिरते हो, बड़े बादशाह बने फिरते हो। व्यक्ति के जिस्म में, ये रगों में जो खून दौड़ रहा है, ये भगवान के होने का प्रमाण है। तुम्हारे खेत में तुम लगाते हो
एक गन्ना 4 इंच का गन्ना लगाते हो और वो 4 इंच का गन्ना 1 साल में 50-100 किलो शरबत दे देता है, चीनी भी देखो तो करीब 5-10 किलो चीनी दे देता है। एक गन्ने का टुकड़ा वो लगाया, वो मिट्टी में मिल गया, उसमें से एक पौधा निकला और उस मिट्टी में से कोई मिट्टी में से एक बूंद चीनी बना करके दिखाए, बनाओ, कोशिश करना अभी जा करके मिट्टी से चीनी बना के दिखाओ, बनाओ कोई भी, माई का लाल मिट्टी से चीनी बना करके दिखाओ, गुड़ शक्कर बना के दिखाओ। तुम घर में कितना ही प्रोसेस कर लो, किसी लेबोरेटरी में कितना ही बड़ा कोशिश कर लो, कोई दुनिया की लैब बना लो, कोई फैक्ट्री बना के लो, फैक्ट्री बनाओ और उस फैक्ट्री में एक तरफ मिट्टी डालो और दूसरी तरफ चीनी निकाल के दिखाओ। भगवान एक मिट्टी में हजारों प्रकार के रस, हजारों प्रकार के गंध, हजारों प्रकार के अन्न, हजारों प्रकार की शाक सब्जियां पैदा कर देता है, यह भगवान के होने का प्रमाण। मैं ऐसे भगवान के होने का धरती से लेकर आसमान से लेकर के तुम्हारे पिंड से लेकर के ब्रह्मांड तक, मैं भगवान के होने के आपको सैकड़ों हजारों करोड़ों प्रमाण दे सकता हूं। भगवान के ना होने का प्रमाण दे के दिखाओ कि भगवान नहीं, इसलिए है। चलो भगवान के होने का, परमात्मा के होने का प्रमाण दे दिया, आत्मा के होने का प्रमाण ले लो। शरीर में से एक आत्मा है, वो निकल जाए फिर जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाना, जीवन के दिन चार पंछी उड़, ओ कर ले यतन हजार पंछी उड़ जाना, जीवन के दिन चार पंछी उड़ जान, जब पिंजरे से उड़ कर जाए, जब पिंजरे से पकड़ो कितना हाथ न आए, जब पिंजरे से उड़ कर जाए, पकड़ो कितना हाथ न आए, लंबे भरे उड़ान पंछी उड़ जाना, हो लंबे भरे उड़ान पंछी, ओ जीवन के दिन चार पंछी। योगी जनों ने जोर लगाया, योगी जनों ने नहीं किसी ने काबू पाया, योगी जनों ने जोर लगाया, नहीं किसी ने काबू पाया, हो गया सब वीरान पंछी उड़ जाना, हो गया सब वीरान पंछी उड़ जाना, जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाना, जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाना। करता फिरता मेरा मेरी
सांझ ढले उड़ जाना, पंछी रे ये देश बिगाना, पंछी रे ये देश बिगाना, जिनके संग तू झूला डाली, हो कर मस्त दीवाना, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, पिंजरा देख पुराना, पंछी रे ये देश बिगाना। तो क्या करना, छोड़ के पिंजरा उड़ जा पंछी, कर ले और ठिकाना। लेकिन कैसे उड़ के जाना, ऐसा राग सुना रे जिससे, ऐसा राग सुना रे जिससे, मिट जाए आना जाना, पंछी रे देश बेगाना, पंछी रे देश बेगाना। ये जीवन और ये मृत्यु, ये प्रमाण है कि आत्मा है, नहीं तो शरीर तो पहले भी रह, ये तो देखो ये शरीर तो आज भी है, फिर शरीर तो बाद भी रहता है, मृत्यु के बाद भी, लेकिन ये शरीर तो है लेकिन दिमाग काम नहीं करता, आंख तो है लेकिन देखती नहीं, कान है सुनते नहीं, जुबान है बोलती नहीं, दिल है धड़कता नहीं, पेट है भूख नहीं लगती। क्या हो गया, ले सिद्ध कर दे, आत्मा नहीं है। आत्मा होने का प्रमाण है ये सारी शरीर की मन की क्रियाएं, ये प्रमाण है। प्रकृति का प्रमाण तो कोई देने की आवश्यकता ही नहीं है, सारा प्रकृति है। ओहो, इतनी बड़ी सच्चाई को, इतने बड़े सत्य को, इतने बड़े यथार्थ को भी लोग नकार देते हैं, बोले मैं परमात्मा को नहीं मानता, मैं आत्मा को नहीं मानता, मैं कर्म धर्म को भी नहीं मानता, फिर तू मानता किसको? अच्छा जो ऐसे बार बार बकवास करे, बोले मैं तेरे को ही नहीं मानता, तू कर ले क्या करेगा? जो किसी को नहीं मानता, कोई कहे मैं अपने बाप को भी नहीं मानता, अपने माँ को भी नहीं मानता, रे किसने पैदा किया तेरे को, ऐसे तो कोई कुछ भी बोले। तो ये तो अध्यात्म के तीन बड़े सत्य हैं, ये अध्यात्म का तत्व ज्ञान दे दिया।